everyone. I'm Aditi Dixit from Jawahar Kala Kendra and I welcome you all once again to our online learning session. आज हमारा तबला वादन का थर्ड सेशन है अंकित पारीक सर के साथ. आज के सेशन में हम कल और परसों के सेशन का रिवीजन करेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. ओवर टू यू अंकित सर. नमस्कार. केंद्र द्वारा आयोजित समर कैंप के अंतिम दिन मैं आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं. हमने पिछले कुछ दिन, दो दिन पहले दिन में मैंने आपको बताया था तबला वाद्य का परिचय, तबले पर किस तरह से हाथ रखा जाता है और ताल तीन ताल का परिचय, ताली खाली और उसको बजाने का निकास, एकुन दुगुन चौगुन और तिहाई और तबले के दस वर्ण. उसके बाद मैंने दूसरे दिन आपको कायदे के बारे में बताया था कि कायदा जिस तरह से मेन कंपोजिशन होता है गाने में, उस तरह से हमारे तबले में कायदा मेन कंपोजिशन होता है. वे बोल जिनका ताली खाली व विभागों के अनुसार प्रस्तार किया जा सके वह कायदा होता है. कायदे में चलना, नियम में चलना तबले के अंतर्गत, और जिस तरह से गाने में अंतरे बनते हैं उस तरह से कायदे में भी पलटे या प्रकार बनते हैं. तो हमने डिस्कस किया था, फिर दिल्ली घराने का कायदा भी हमने बजाया था और सीखा था, प्रकार तिहाई और फिर टुकड़ा भी सीखा था. तो हम पिछली चीजों को, मतलब जो दो दिन में हमने जो सीखा था उसका रिविजन करते हैं. तो ताल तीन ताल से चलते हैं नगमे के साथ. एक गुन बजाएंगे, दो गुन बजाएंगे, चौगुन बजाएंगे, फिर तिहाई बजाएंगे. फिर हम कायदे पे आएंगे, चिटके दिल्ली घराने के कायदे पर. उसके प्रकार जो मैंने बताए थे आपने कॉपी में लिखे होंगे, आप कॉपी में देखकर या फिर मैं बोलता भी जाऊंगा उसको सुनकर देखें और बजाएं. कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें वापस उसको लिख लें सही से. तबला नहीं है तो टेबल पे बजाएं. ठीक है, हम शुरू करते हैं नगमे के साथ. चौगुन करेंगे धा धा ती धा धा ती ना धा धा
चार बार होता है चौगुन। अब पहला प्रकार धाधा टिटे धाधा टिटे धाधा टिटे धाधा दीना धाधा टिटे। दो बार बजेगा तब संपर आएगा टिटे धाधा टिटे धाधा टिटे धाधा दीना धाधा। दूसरा धाधा टिटे टिटे धाधा धाधा टिटे धाधा दीना धाधा टिटे टिटे धाधा धाधा टिटे धाधा दीना। अब तीसरा धाधा टिटे 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 धाधा टिटे धाधा दीना। वापस टिटे 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 धाधा टिटे धाधा दीना। अब दिखाई करेंगे धाधा टिटे धाधा दीना धाधा टिटे दमदार वो पैटर्न धा धा धाधा टिटे धाधा दीना धाधा टिटे धाधा दीना धा धा धाधा टिटे धाधा दीना धाधा टिटे धाधा दीना धा। इस तरह से मैंने आपको ताल तीन ताल एक गुन दुगुन चौगुन और दिल्ली घराने का कायदा जो कि दो उंगली से बजता है वो सिखाया था और एक कायदा और बताया था क्रिकेट का। तो टिट में हमने क्या किया था कि ती तै, तो ती को हमें जोर से मारना है। मैंने आपको जब मैं बजा रहा था तब भी मैं यही बात बोल रहा था क्योंकि हम जब ता बजाएंगे तो ता से हमारा इस फर्स्ट फिंगर पे वेट आ जाता है लेकिन मिडिल फिंगर पे हमारे पास वेट नहीं होता है तो वो धीरे धीरे आएगा। ये टेक्निक है तो हम इसको जब जोर से मारेंगे थोड़ा सा तो वो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि इसको हम मारेंगे तो इसका ऑलरेडी बैलेंस वेट ज्यादा होगा इसके बजाय तो इसलिए हमें ती है तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। अधिकतर क्या होता है बजाते समय ये हो जाता है वो वो रॉन्ग हो जाता है। तो ती टै दोनों बोलों का बराबर महत्व है ती टै। ओके तो ती ती टै तो ती को जोर से मारना मैंने बताया। अब क्रिकेट करते हैं। क्रिकेट में मैंने आपको बताया था किस तरह से ती रे ती इस कायदे में केवल टिट की जगह क्रिकेट ऐड करना है। ओके चलते हैं रिवीजन की तरफ नग्न के साथ मारना है मिडिल फिंगर को ना डून करेंगे धा धा ती रे ती टे ती ना धा धा ती ना धा धा ती ना धा धा। आप चौगुन करेंगे धा धा ती टे धा धा ती ना। चार बार पहला प्रकार दो बार एक बार और आएगा दूसरा पैटर्न करेंगे दमदार हा हा धाधा टिटे धाधा दीना धाधा टिटे धाधा दीना धा हा धाधा टिटे धाधा दीना धाधा टिटे धाधा दीना धा। तो इतना हमने कल सीखा था और एक टुकड़ा भी सीखा था तो वो भी कर लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं एक बार। धा धा दिन दिन ना ना ती टे
अब घूम करेंगे इसकी धा धा दिन दिन कटे टे घेटे टे कटे धा कटे धा कटे टे घेटे घेटे कटे धा कटे धा कटे कटे टे घेटे टे कटे धा कटे धा कटे धा। अब क्या है, टुकड़े को हम द्रुत लय में बजाएंगे तो वो सही रहता है, क्योंकि हम जब कायदा पेशकार इसको बजाते हैं तो हम विलंबित लय में बजाते हैं, और टुकड़े को हम द्रुत लय मध्य लय में बजाते हैं। तो हम द्रुत लय सीखते हैं पहले कि द्रुत लय होती क्या है। देखिए, लय होती है संगीत में समय की समान गति। समान गति जिस तरह से हम हमारी धड़कन चल रही है, बिल्कुल मैंने बताया भी था फर्स्ट डे आपको, बिल्कुल एक लय में चल रही है। अगर इतनी सी भी लय गड़बड़ होगी तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा। तो हमारे तबले में धड़कन है, हमारा मतलब संगीत की धड़कन हमारा तबला है, तो हमें लय का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो विलंबित लय, धीमी चाल वाली लय को विलंबित लय कहते हैं। मध्य लय जो ना तो नाम से ही पता चल रहा है, ना तो तेज हो ना धीरे हो, बीच की हो। और द्रुत लय जिसे हम तेज लय को द्रुत लय कहते हैं। ये तो बात हो गई एक सामान्य तौर पर, लेकिन अब मैं प्रोफेशनल के हिसाब से आपको बताता हूं कि विलंबित लय का मतलब होता है एक मात्रा में एक बोल जिसका एक आवर्तन। मैंने आपको आवर्तन बताया था, पहली मात्रा से 16 मात्रा तक के एक चक्कर को एक आवर्तन कहते हैं। तो जिसका एक आवर्तन 16 मात्रा का हो वो विलंबित लय होती है, जिसका एक आवर्तन 8 मात्रा का हो वो मध्य लय होती है, जिसका एक आवर्तन 4 मात्रा का हो वो द्रुत लय। अगर हम दुगुन में बजाएंगे, जैसे कि एक गुन बजाएंगे, आपने एक गुन बजाई, ठीक है, अब दुगुन में अगर अपन ने लय बना ली, तो ये सम आ रहा है हर 8 मात्रा में। आप काउंट कर सकते हैं इसको, तीन तीन चार, आप करेंगे काउंट, देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब बराबर में किया तो 16 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये समाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या होता है, जैसे कि हमारी कुछ बंदिश भी होती है तो इसी में होती है, अधिकतर छोटा ख्याल जो गाया जाता है तो इसी लय में अधिकतर होता है। ना मैं तो पिया संग लर पछतानी, मैं तो पिया संग लर पछतानी, ये इसी में चल रहा है, पिया संग देखो ऐसे मद के ने, देखो ऐसे मद के ने, पिया संग लर पछतानी। इस तरह से जो हमारा छोटा ख्याल होता है वो अधिकतर मध्य लय में होता है, तो इस तरह से हम इसको मतलब बजाते हैं, तो इसलिए मध्य लय का ज्ञान होना आवश्यक है कि वो किस लय में होता है। हल्का सा इसको लय बढ़ा देंगे तो कुछ हल्की सी लय बढ़ा के वो भी मध्य लय होगा, तो उसमें फिर वो छोटा ख्याल कुछ होते हैं। इसी तरह से अब द्रुत लय में आते हैं। द्रुत लय में 4 मात्रा का एक आवर्तन होता है, किस तरह से देखिए, दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 1, 2, 3, 4, देखिए 1, 2, 3, अब ये 4 में आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो द्रुत लय में एक आवर्तन 4 मात्रा का होता है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, विलंबित लय में 16 मात्रा का, मध्य लय में 8 मात्रा का, और द्रुत लय में 4 मात्रा का। विलंबित लय हमने सीखी ताल लगाना, अब मध्य लय कैसे लगाते हैं ताल,
धा धिन धिन दा धा धिन धिन दा धा तिन तिन ता ता धिन धिन दा धा धिन धिन धा धिन धिन दा धा तिन तिन ता ता धिन धिन दा धा। यस, मध्य लय ऐसे ही लगती है क्योंकि आठ मात्रा में वो दिखाना है। धा दिन दिन दा धा दिन ऐसे नहीं, हम इस तरह से लगाएंगे तो बेस्ट होगा। अब द्रुत लय में धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा। एक दो तीन चार एक, तो इस तरह से लगेगा। और एक पे वापस आना है क्योंकि वो सम है। सम मतलब किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, जहां वापस खत्म करना है और शुरू करते हैं। जैसे घर है हमारा, घर से शुरू करेंगे, बाहर निकल गए, कुछ भी लिया है, वापस घर पे आना जरूरी है, तो सम पे आना जरूरी है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा रिवीजन मैंने आपको करवाया, टुकड़े का भी, कायदे का भी, इस तरह से हुआ। अब बात हो रही थी लय की, तो हमें टुकड़ा द्रुत लय में बजाना चाहिए। तो द्रुत लय में किस तरह से बजता है देखिए, हम द्रुत लय बनाते हैं पहले। धा दिन दिन दा धा दिन दिन, वही टुकड़ा बजाऊंगा। तो इस तरह से हमने किया। अब आज हम सीखते हैं रेला। रेला क्या होता है? देखिए, रेला का अभिप्राय है जो जिसका लय जो है, जिसकी लय रेल के जैसे चले। हमारा जो कायदा होता है वो तो होता है दुगुन और चौगुन में चलता है, लेकिन रेला हमारा अटगुन और चौगुन में चलता है, चौगुन और अटगुन में। और उन बोलों का समावेश किया जाता है जो द्रुत लय में बजाया जा सके। कायदे के बोलों में और रेले के बोलों में अंतर होता है, ठीक है। जैसे धाति धागे धीना गिना, धाति धागे धीना गिना, धाति धागे तीना गिना, ये बोल अधिकतर कायदों में प्रयोग किया जाते हैं। अब धातृगढ़ तक मैंने आपको सिखाया नहीं, आज मैं सिखाऊंगा आपको, तो किस तरह से प्रयोग होता है। तो आप लिख लीजिए रेला। आप ये भी बोलते हैं कि रेले और कायदे में क्या अंतर है, तो ये अंतर है कि कायदा दुगुन और चौगुन में बजता है, रेला चौगुन और अटगुन में बजता है। और दूसरा अंतर ये कि बोलों का अंतर होता है, वही बोल होते हैं जिसको आसानी से द्रुत लय में फेंका जा सके रेले में, ठीक है। तो सिखाता हूं रेला, आप लिख लीजिए कॉपी में पहले। धा तेरे किट तक तेरे किट, यस, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का सिखा रहा हूं। धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक, बीच में जोड़ना है, धा तेरे किट तक तेरे किट। अब ता तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे किट। तो धा तेरे किट तक तेरे किट पहले है, बीच में धा तेरे किट तक है, धा तेरे किट तक तेरे किट, ता तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे किट। तो इस तरह से सीखेंगे। तो मैं बताता हूं आपको, आप कॉपी में लिख लीजिए, मैं चाहे आपको दोबारा बोल देता हूं धीरे धीरे। धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे किट, ता तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे किट। अब बजाएंगे कैसे? धा आपको जानते हो आप, मैंने आपको बताया था 10 वर्ण, तो धा कैसे बजेगा जानते हो आप। अब तेरे किट भी जानते हो आप, धा तेरे किट तक, तो तक कैसे बजेगा? बात यह है, देखिए कायदा और पेशकार जो बजता है वो दो उंगली से या तीन उंगली से बजाया जाता है, लेकिन जब हम रेला और टुकड़े की बात करते हैं तो वो खुले हाथ से बजाया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो मुश्किल होता है दो उंगली से बजाना उसको और तीन उंगली से बरतना, तो थोड़ा स्टाइल चेंज करना होगा, पूरब अंग से बजाना होगा। चूंकि वैसे घराने छः है लेकिन स्टाइल दो है, मतलब एक पूरब और एक पश्चिम, तो पश्चिम में दिल्ली और अजाड़ा और पूरब में बाकी घराने आते हैं, पंजाब थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको करना होगा ये हाथ को, यस, और
क्रिकेट इस तरह से बजाना होगा, टी र की टी, यस टी र की, आपने कायदे में बजाया था टी र की टी, लेकिन रेले में टी र की टी, वो भी ठीक है लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग रास्ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम इस तरह से करेंगे। तो तेरा किट ता का, फिर वापस तेरे किट, तेरा किट, तो धा तेरा किट तक तेरा किट, पहला क्या है धा तेरा किट तक तक, ओके तेरा किट, तो धा तेरे किट तक बीच में, फिर तेरे किट बाद में वापस वही है, तो धा तेरा किट तक तेरा किट, फिर धा तेरा किट तक, फिर धा तेरा किट तक तेरा किट, फिर ता तेरा किट तक तेरा किट, धा तेरा किट तक धा तेरा किट तक तेरा किट, धा धा तेरा किट तक तेरा किट, धा तेरा किट तक धा तेरा किट तक तेरा, धा तेरा किट तक तेरा किट, धा तेरा किट तक। तो इसको करते हैं हम नगमे के साथ द्रुत लय में, है ना, ठीक है। द्रुत लय कैसे बनेगी आप जानते हैं, धा दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन, धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक तेरे, धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक तेरे, धा दिन दिन नाना, थोड़ा और कम कर लेते हैं, धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक तेरे, धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक तेरे, अब डबल कस जाएगा, अब क्या है धा तेरे किट तक तेरे किट, जब तक वो बैलेंस उसका नहीं ऊपर जाएगा, जब तक हम इसको टेक्निक नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी टेक्निक के साथ साथ में रियाज भी करना होगा, अभ्यास भी करना होगा, धा तेरे किट तक, तो आप क्या करना होगा, धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक तेरे किट, बाएं से वो बैलेंस आएगा, हल्का सा उसको उस समय धा तरीके, उस समय थोड़ा सा हमें उस पे बैलेंस देना होगा ज्यादा, इससे इस तरह से जाएगा, तो हमें उसमें जोर देना होगा इधर इधर, धा तेरे किट तक तेरे किट ता तेरे किट तक तेरे किट, है ना, तो धा तेरे किट शुरू करते हैं, धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक धा तेरे तक तेरे किट, धा तेरे तक तेरे किट, धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक तेरे, आप पहला प्रकार लिख लीजिए, आप धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक तेरे, ये आएगा धा तेरे किट तक तेरे किट, 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 धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक, मतलब धा तेरे किट तक तेरे किट को आपको चार बार लिखना होगा, धा तेरे किट तक तेरे किट, 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 धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक, दो बार, देन ता तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक तेरे किट, ता तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक तेरे किट, धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा, तो ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया होगा, फिर इसकी तिहाई भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, चलते हैं। पहले स्थाई लय बनाएंगे, ग्रुप लय, यस, अब तेरा किट तक तेरा किट, धा तेरा किट तक धा तेरा किट तक
पहला प्रकार इस तरह से हम इसको बजाएंगे। अब धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा आ धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा आ धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा। इस तरह से उसी दमदार तिहाई का पैटर्न हम चलते हैं। अब धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा 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 तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा 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 तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा धा धा। ये हो गई, ये बेदम नहीं है, इसमें हल्का सा दम है। मैंने आपको बताया था तिहाई वैसे दो तरह की होती है, लेकिन कुछ विद्वानों अनुसार तीन तरह की होती है, दम बेदम भी होता है, जिसमें हल्का सा बेदम मतलब हल्का सा दम होता है, बहुत कम दम होता है, तो उसको हम दम बेदम भी कहते हैं। तो ये उस श्रेणी में आता है, बेदम तो बिल्कुल भी गैप नहीं होता। तो हम चलते हैं तिहाई। ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना तिहाई धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा हा धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा हा धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा दिन दिन ना ना दिन दिन। अब दूसरी तिहाई धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा हा हा धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा हा हा धा तेरे कट धा तेरे कट तक धा तेरे कट तक तेरे कट धा हा हा। तो इस तरह से ये जो है होगा। अब रेला जो है वो रेल की जैसे चलता है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। अभी तो हम इसको चौगुन में बजा रहे थे, अटगुन में जाना चाहिए। तो अटगुन में हम इसका प्रयास करते हैं। किस तरह से अटगुन में जाएगा आप सुने थोड़ा सा। ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन पहला प्रकार इस तरह से मतलब एडवांस लेवल का थोड़ा तिहाई और वो आ जाता है। अब कुछ रेले धीरे धीरे के बजते हैं। अब धीरे धीरे जो है तबले में बड़ा ही सुंदर बोल है, तो वो इस तरह से इसके हाथ को हमें रखना होता है और हथेली से बजता है धीर धीर थे। अभी ये थिर थिर हो रहा है, तीर 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 तीर। जब इसके साथ बजेगा जब और धीरे धीरे हमें इधर हाथ को फेंकना होता है, तब वो अगर हमने इधर हाथ कर दिया तो हाथ अटक जाएगा। इसकी टेक्निक है यू जाएगा तो ये, तब वो उस तरह से जाता है। तो धीरे धीरे के रेले भी आप मैंने आपको बताया। तो रेले के बाद हम सीखते हैं परण। परण वे बोल जो जोरदार बजाए जाते हैं, जो वीर रस प्रदान होते हैं।
पखावज पर बजाए जाने वाले वे बोल जो जोरदार होते हैं और गंभीर रस और वीर रस लिए होते हैं, उसे हम परण कहते हैं। देखिए, तबला एक ऐसा वाद्य है जिसने तबले के अलावा पखावज के बोलों को भी लिया, ढोलक के बोलों को भी लिया, ऐसा माना जाता है विद्वानुसार, नगाड़े के बोल को भी लिया। बजते वो तबले पर है। जिस तरह से तंत्रकारिन में सितार हुआ, सरोद, इसमें गायकिंग से भी बहुत अच्छा बजाया जाता है। तंत्रकारी बंदिश अलग होती है और गायक शैली की बंदिश अलग होती है। इसी तरह से तबले ने भी पखावज की परण को लिया। तबले का तो पेशकार, कायदा और गत ये रचना है। तो इस तरह से इसमें हम किस तरह से जो है परण बजाते हैं, देखिए हाथ को उस तरह से रखना है, मैंने आपको बताया था, और तिट ऐसे बजेगा। तो आप लिख लीजिए, धागे तिट तागे तिट तागे तिट, लिख लीजिए, धागे तिट ताके तिट ताके तिट, किर्धे तिट धागे तिट गदी कीन नागे तिट। वापिस बोलता हूं, धागे तिट ताके तिट ताके तिट, ओके, किर्धे तिट धागे तिट गदी कीन नागे तिट। प्रतिहाय आएगी, कत धान धान धा आ, कत धान धान धा आ, कत धान धान धा, को भी हम द्रुत लय में ही बजाएंगे। तो किस तरह से होगा, धागे तिट, हम जब भी परण को बजाएंगे तो कभी भी हम चाटी पे नहीं बजाएंगे धा, क्योंकि ये पूरब है, पखावज के अंदाज से हमें बजाना होगा उसको। तो हालांकि ये नहीं कि ऐसे तो बजना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे ना करके, चूंकि इसका पोजीशन यू है, तो हमें लॉ पे मारना है धा। लॉ मतलब मैदान, मैंने आपको बताया था, और हल्की सी फिंगर को हल्का सा मोड़ना है, तब वो तिन निकलेगा, वरना निकलेगा ही नहीं। आप यू लगाते रहो, तिन सीधी फिंगर से निकलने वाला ही नहीं है। तो धागे, तो धागे, तो धा में हम इसको प्रेस करेंगे और गे में हम खुला छोड़ेंगे। ऐसा कई बार उल्टा हो जाता है, हम धा तो सीधा बजाते हैं और घे दबा देते, तो उल्टा हो जाएगा, बैक में चलेगी गाड़ी, बैक में नहीं चलानी है आपको। तो धागे आपने कॉपी में लिख लिया होगा, उसको आप देखिए और मेरे साथ बजाने का प्रयास करिए। धागे, बजाया आप लोगों ने, यस, धागे तीट, समझ गए आप तिट कैसे बजेगा, ये इजी है बल्कि इससे, यस, तीट। तो धागे तीट, धागे तीट, ताके तीट, ताके तीट, आया इतना आपको, वापस करते हैं, धागे तीट, धागे तीट, ताके तीट, ताके तीट। अब आएगा किर्धे तीट, तो की, देखिए कर के और का ये सब एक ही तरह से निकलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको 10 वर्ण जब पहले दिन सिखाया था उसमें बताया था, की है, अब धे कैसे निकलेगा, धे, यस, धे में हमने अगर बायां बजाया तो वो वैसे तीट है और ती धे हो गया वो, तो किड़धे ती। ये ध्यान रहे, किड़धा तिट अलग होता है, किड़धे तिट अलग होता है। अगर हमने किड़धा तिट बजाना है तो वो किड़धा आएगा, धा कहाँ होता है, चाटी पे। पहला वर्ण मैंने आपको बताया था, पहला वर्ण है संयुक्त वर्ण, पहला धा, और दूसरा वर्ण दिन है, तो हमें किड़धा बजाना पड़ेगा। लेकिन किड़धा तिट बहुत द्रुत लय में इसको फेंकना थोड़ा मुश्किल होगा, रियाज ज्यादा, अभ्यास ज्यादा अच्छी होगा, तो इसलिए किड़धे तिट बजाएंगे तो वो जल्दी जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो किड़धे तिट, ओके, किड़धे तिट, अब धागे तिट, धागे तिट, अब आया गदी कीन,
तो ग दिन, दिन आता है। अब कुछ लोग गदी गिन बजाते हैं, लेकिन गदी गदी घी ये होता है, गदी घी ना, ये ऊपर जाना फिर हाथ उलझने का रहता है। तो इसलिए आपको निकास में ध्यान रखते हो, जैसा हमने हमारे गुरुजन से सीखा है, तो गदी किन बजेगा, बोलते हैं गदी किन है, तो गदी की न, और ना कैसे बचता है, यस गदी की न ना के ती, तो ना के ती, वापिस गदी की न ना के ती, इतना आया आपको। इसके बाद पिहाई है, कत धान धान धा आ, तो कत, कत अपने सीखा था टुकड़े में धा धा दिन दिन ना ना कत धा आया था, तो वही चीज है, कत धान धान धा आ, आपन को दिन से लगाना है क्या, तो सुंदर हो जाता है, वरना कत धान धान धा कत, ये अच्छा नहीं, धा कत धान धान धा, तो किस तरह आएगा, इसका मजा जब और आता है जब हम बड़े मुंह का तबला बजाते हैं, भागे इस तरह से, तो नगमे के साथ बजाते हैं एक गुण में, है ना, ठीक है, ढुक लेने, भागे टेटे भागे, दो गुण हो गया, ताके टेटे ताके टेटे गिरधे टेटे भागे टेटे गदी की न नागे, कटे धान धान धा दिन कटे इस तरह से परन बसती है। सादा परन होती है, सादा परन मतलब जो एक बार बसती है, और चक्रधार परन मतलब जो तीन बार बसती है, पूरा उसका जो भाग है वो तीन बार बजता है। और हमारे तबले में हर बंदिश में तिहाई से ही समावेश समापन होता है, समापन तिहाई से होता है, केवल एक गत ऐसी है जिसमें तिहाई नहीं के बराबर होती, नहीं होती है। वैसे कुछ विद्वान जो बड़े बड़े उस्ताद, उन्होंने कुछ गतों का निर्माण ऐसा भी किया है जिनमें तिहाई होती है, लेकिन तिहाई प्राय नहीं होती है। इस तरह से हमने आज परण सीखी, हमने रेला सीखा, अब हम चलेंगे थोड़ा लाइट संगीत की ओर, तबले में ताल कहरवा। मेरे अनुसार ये ताल कहरवा तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि कहरवा ताल ही ऐसा है कि बजते ही आनंद आता है। थोड़ा सा बजा के सुनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ताल कहरवा कौन सा है, ठीक है, बजाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, आपने बहुत सुना है इसको, इस तरह से ये कहरवा होगा। अब इसमें क्या है, बहुत वैरायटीज होती है, जिस तरह से हमारे खाने में वैरायटीज होती है, हम जब एक सब्जी खाते हैं तो उसमें पता नहीं कितनी कितनी तरह की, कुछ कुछ नींबू भी डाल देते हैं और भी गरम मसाला भी डाल देते हैं,
कई सारी चीजें हम डाल देते हैं, तो इसी तरह से हम कहरवा में भी करेंगे। लेकिन पहले मेन सब्जी, मेन वेजिटेबल जो है वो बनानी आनी चाहिए, मतलब कहरवा दाल मेन आना चाहिए। कितनी मात्रा होती है? 8 मात्रा। यस, आप सही पहचान रहे हैं, 8 मात्रा होती है। तो हम पहले गिनती से दाल लगाएंगे। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1। तो 8 मात्रा है, विभाग कितने हैं आप समझ गए होंगे, 2। ताली कितनी है? 1। खाली कितनी है? 1। ताली कौन सी मात्रा पे? पहली पे। और खाली कौन से पे आ रही है बताइए? 5। यस, 1, 2, 3, 4, ये 5वीं पे आपने खाली, बिल्कुल सही। तो आप इस तरह से इसके बोल आप लिख लीजिए, धा गे ना ती ना का धी ना धा। क्या बोला मैंने? धा गे ना ती ना का धी न धा। धागे नाती ना का धीना धा। अब धागे नाते ना का धीना, धागे नाते ना का धीना, धागे नाते ना का धीना, धागे नाते ना का धीना। तो अब बजेगा कैसे? आप सब बोलों को अधिकतर जानते हैं बजाना। देखिए, तीन तीन कैसे बज रहा है जानते हैं। अब धा पहला वर्ण धा। यस, मैंने बताया था पहले लेसन में आपको और पहले दिन कि जब भी हम चाटी को बजाएंगे तो यू नहीं करेंगे। अगर हमने प्रेस कर दिया, देखिए ताली ये आवाज फैल रही है ना, तो उसको मारते ही फ्री रखना है फिंगर को। तबले में यही है, आस उसकी बरकरार कब रहेगी? जब उसको फ्री करेंगे। तो धा, समझ रहे हैं? मैंने मारते ही फर्स्ट फिंगर को उठा लिया, ऐसा तो नहीं किया, ऐसे करने से सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। ओके, तो धा गे, आपको ध्यान है अपने पैरन बजाइए भी, धा गे, धा पहला प्रेस करना है, गे खुला रखना, धा गे, फिर ना। यस, ना है, ना और ता एक ही बात है, धा गे ना। अब तीन या ती, ती ना। ओके, का धी ना। अब धीना आपको पता ही है, दादा चेट दादा तीना ताता चेट दादा दीना अपन ने करा है, तो उससे आपको पता है कि धीना कैसे बजता है। सामने ही बजा सकते हैं कि धा गे ना ती ना का धी ना। हमारे पास धीन और तीन के दो ऑप्शन है, तो हम इसमें आगे भी बजा सकते हैं। तो करते हैं इसको धीरे धीरे एक गुण में। गुण बजाए मेरे साथ, धा गे ना दिन ना का दिन ना, धा गे ना दिन ना का दिन। अब दो गुण करेंगे इसकी, धा गे ना दिन ना का दिन ना का दिन। अब चौगुन करेंगे, धागे नाती ना कह दी ना, 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 धागे नाती ना कह दी ना। क्या गुन हो गया था? बस किस तरह से हमने ये सीखा, हमने ताल कहरवा की एक गुण दुगुण चौगुन, आठ गुण नहीं करेंगे, चौगुन करेंगे। मुझे तो समय हो गया है काफी, तो हम चौगुन तक करेंगे। पहले तो एक गुण ही हम कुछ समय के लिए बजाएंगे, कुछ देर, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सही निकास से, लेकिन और लय में मैंने बताया। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा और उसकी धीरे धीरे लय बढ़ाएंगे, 2 दिन 3 दिन उस तरह से हो जाएगा, और गुरु के सामने तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहरवा किया। अब मैंने बीच में कुछ लगाया था, यस, ताता ती ताता ती ता, यस, ये क्या था? ये मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया था सब्जी में, मैंने आपको बताया था वेजिटेबल अपन खा रहे हैं, तो नींबू डाल दिया थोड़ा सा, तो वो थोड़ा अच्छा हो गया।
कट जिसे कहते हैं लाइट म्यूजिक में हम बजाते हैं, तो ये आता है। तो ता ता ती ता ता ती ता 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 ती ता ता ती ता, तो ऐसे भी बजा सकते हैं। ती तो यहाँ है ता ता ती ता ता ती ता, लेकिन थोड़ा इससे भर जाएगा, ता केवल ता पे बजाना है इसको, ता ता ती ता ता ती ता, केवल ता पे बजेगा ये हमारे साथ, ता ता ती बंद बजेगा, ता ता ती ता ता ती ता। समझ में आया, लिख लीजिए आप, भूल जाएंगे आप, क्योंकि चीजें इतनी हो रही है ना, और आज मेरा अंतिम दिन है तो आप भूल जाएंगे, तो इसलिए लिख लीजिए। इसलिए वर्कशॉप का अंतिम दिन है, देखिए ता ता ती ता ता ती ता, आपके सामने अंतिम दिन है वर्कशॉप का, इसलिए आप देखिए ता ता ती ता ता ती ता। अब हमें क्या करना है, देखिए ताता ती ताता की ता के अलावा क्रांग करना क्रांग करना क्रांग, एक बहुत अच्छा बता रहा हूं, थोड़ा एडवांस लेवल का, किस तरह से होगा क्रांग, क्रांग कैसे आएगा, ये क्रांग बड़ा अच्छा बोल है, देखिए किस तरह से होगा, ये क है और डान, ओके क्रांग कैसे क्रांग, अब किड़ना 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 का, तो क्रांग करना क्रांग करना क्रांग, देखो लो ये और भी उससे अच्छा है, तो धागे नाती नाके धीना, धागे नाती नाके धीना, धागे नाती नाके धीना, क्रांग करना क्रांग करना क्रांग धागे ना, लेकिन थोड़ा इसमें मेहनत चाहिए होता है, टाइम चाहिए होगा, तो इसलिए हम ता ती ता को ही बजा सकते हैं। चलते हैं अब इसी में एक वेरिएशन, जो धागे ना तिनक दिन है इसको हम कर देंगे धागे ना धीना का दिन, हम तिनक नहीं करेंगे इसका, मैं दूसरा वेरिएशन बता रहा हूं आपको, धागे ना धी ना का दिन, कैसे धागे ना, अब तिन की जगह धी आपने सीखा है ना, हाँ धागे ना धी ना गा धी ना, ये बायां बंद होगा ही नहीं, धागे ना धीना का दिन, 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 इस तरह से होगा, तो धागे ना धी ना गए धी, धागे ना धी ना गए धी, धागे ना धी ना गए धी। अब बजाते हैं इसके साथ, धिनक दिन को बजाएंगे, धागे ना धी ना गए धी ना धी ना गए धी, धागे ना धी ना गए धी, क्रांग करना क्रांग करना क्रांग, इस तरह से धागे ना दिन के दिन, धागे ना दिन के दिन हमने बजाया, इस तरह से हुआ। अब क्या होता है कहरवा में, कुछ बच्चे या कुछ मुझसे भी पूछते हैं कि सर इसमें हम लय कैसे बनाएं, क्योंकि हम धीरे तो बजा लेते हैं लेकिन लय हम किस तरह से स्पीड में बजाएं इसको, तो इसका एक वर्जन मैं आपको सिखाता हूं जिससे अच्छे से लय में जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्या आ रहा है धा, ओके धा लिख लीजिए, भूल जाएंगे, धा ताती ना धातिन, बस इतना ही है, धा ताती ना धातिन, धा ताती ना धातिन, धा ताती ना धातिन, इसी से चले जाएगा, और थोड़ा सा मैं इधर और नीम मिर्ची डाल दूंगा तो इस तरह से चला जाएगा। तो लिख लीजिए धा ताती ना धातिन, तो धा ताती ना धातिन, ओके। तो इसके साथ करते हैं, पहले इसको करते हैं फिर तीनों को एक साथ बजाएंगे, बोलिए मेरे साथ, धा ता ती ना धा ती ना धा
अब डबल करेंगे चला जाएगा अच्छे से पहला प्रकार जो ओरिजिनल है उसको करते हैं हा दे ना बजाए मेरे साथ सभी अब दूसरा प्रकार धागे ना धी ना गधी ना धागे ना अब तीसरा धाटी ना धाटी याद आया आपको यस धाटी ना धाटी धाटी ना करते धा 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 तो इस तरह से ये तीन वैरायटीज मैंने आपको ताल के हरों में बताई और इस तरह से हुआ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा किस तरह से ये तो हुई तबले की भाषा जो हमने ताल तीन ताल सीखी कायदा सीखा रेला सीखा टुकड़े सीखे परने सीखी जो कि मतलब एक जिसे कहें कि जो तबला सीखता है उसके लिए आवश्यक है और वो उसको ज़्यादा समझ में आएगी जो सीख रहा है कि कायदा क्या है। सुनने में सबको अच्छा लगेगा नो डाउट, लेकिन जब इसी तबले से घोड़े की आवाज़ निकलेगी और ट्रेन की आवाज़ निकालने का हम प्रयास करेंगे तो वो जन जन तक पहुँचेगा। जो आदमी तबले को नहीं भी समझता वो समझेगा वो किस तरह से होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको सिखाने की। अब आप जानते हो, आपने पिक्चर देखी होगी, फिल्म देखी होगी, शोले फिल्म, सब जानते होंगे। शोले फिल्म में जो घोड़े की आवाज निकली है वो पंडित गुधई महाराज जी ने निकाली है। यस तबले से, यस तबले से निकाली है। यस तो तबले से घोड़े की आवाज निकली है। उस जमाने में तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों का तो प्रयोग होता नहीं था कि भाई बटन दबा दिए और घोड़े की निकल रही है या किसी की भी निकल रही है आवाज, केवल ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स होते उनसे हम निकालते थे। तो किस तरह से हम घोड़े की आवाज निकालेंगे और घोड़े की तिहाई बजाएंगे, मतलब घोड़े की बोलो की, घोड़े की तिहाई नहीं घोड़े के बोलो की। आपको अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। देखिए अब क्या है, आपने सीखा था टीट, सीखा था टिट मेरे से, यस सीखा था बिल्कुल। की भी सीखा था, यस की भी सीखा था आपने, की है टी टै। अब क्या करना है किट तक, तक भी सीखा है आपने, किट तक 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 किट तक। तो इस तरह से घोड़े चल रहे हैं, आपको लगेगा कि सच में घोड़े चल रहे हैं। आप ईयरफोन से सुनेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अब किट तक किट तक किट तक किट तक ता किट तक किट तक किट तक किट तक ता किट तक किट तक किट तक किट तक ता। तो तरह से तिहाई होगी, वो भी पैटर्न जो मैंने आपको बताया, दमदार तिहाई का पैटर्न। कुछ भी नहीं है, चार मात्रा लगानी है और पांचवी मात्रा पे धा मारना है, छठी पे आएगा। और इस तरह से पैटर्न रखेंगे तो सम आ जाएगा, क्योंकि तीसरी बार में आ नहीं आएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको इसी पैटर्न से सारी तिहाई सिखाई। तो इस तरह से हो गए। चलो ठीक है, हम करते हैं नगमे के साथ, जरा देखते हैं कैसा आनंद आता है। थोड़ा अब तबले का मूड अलग,
कम लय में चल रहे हैं। इस तरह से किट तक तो लिख लीजिए किट तक की ता तो किट तक। ये चीज भी होनी चाहिए, जो नहीं समझ पाए तबला अगर हम उसको ये सुनाएंगे और कहरवा सुनाएंगे तो वो बहुत जल्दी आपसे प्रभावित होगा। और वो चीज भी होनी जरूरी है जो कि देशी की भी होना चाहिए, क्योंकि वो होगा तो हम जो गुणी लोग हैं उनके समक्ष हम बजाएंगे तो वो हमें दाद देंगे और उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा। अब हम चलते हैं घोड़े की आवाज सीखने के बाद ट्रेन की आवाज किस तरह से तबले पे निकलती है, ये भी मैं कोशिश करता हूं आपके समक्ष कि किस तरह से निकलेगी। है तो मेरे पास तबला ही, लेकिन तबले की आवाज, तबले में कैसे घोड़ा आ जाए और ट्रेन आ जाए। हालांकि कबूतर की भी निकलती है और कबूतर के कुछ कायदे भी होते हैं और गेंद उछाल भी होती है, क्रिकेट के टुकड़े भी होते हैं, काफी मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। और आप कैसे हैं आप सब, इस तरह से भी होता है, धाधा धाधा तीधा, कैसे हैं आप सब। तो इस तरह से हम वार्तालाप भी करते हैं तबले में, तो वो एक क्रिएशन होता है किस तरह से हम उसको बोलो के अनुसार हम डाल सकते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जी, बिरजू महाराज जी बड़ा खूबसूरत करते हैं, जिनसे मैं थोड़ा सा देख के सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ। और हमारे गुरु जी ने भी, पंडित गिरधर जी महाराज जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से होता है। क्रिकेट का टुकड़ा अलग से सिखाया, गेंद उछाल अलग सिखाई और बंदिशी भी अलग सिखाई। तो अब चलते हैं ट्रेन के साउंड में, जो मैंने कोशिश करी और पिछली बार हमने बहुत अच्छा बजाया भी जौरकला केंद्र में, जब मैंने समर कैंप लिया सब बच्चों ने बहुत अच्छा उसको कोशिश किया बजाना आपके आशीर्वाद से सभी के। तो ठीक है, तो मैं किस तरह से बजाते हैं देखिए, कोशिश आपको बताता हूँ बोल क्या होंगे उसमें, है ना। अब इसमें क्या होगा, आपको ये वाला हाथ इधर रखना होगा तब वो साउंड निकलेगा, अगर आपने ऐसे किया तो नहीं निकलेगा। तो अब ये इसमें कई कई आ रहा है, क ओनली, संयुक्त वर्ण नहीं आ रहा, असंयुक्त वर्ण। ऐसा लग रहा जैसे पुल आ गया, पुल आता है ट्रेन में, पुल कैसा आता है, अब इधर से भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसका आपने सुना होगा साउंड, तो वो चेंज हो जाता है, जैसे ही कोई पुल आया, पुल आने के जस्ट बाद ट्रेन निकलती है तो उसका साउंड चेंज हो जाता है, वो वाला साउंड नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता, जैसे पुल आया इस तरह से ये कोशिश करते हैं। तो अब किस तरह से बोल क्या है इसके, क्या मैं बजाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको सिखाने का, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये तो अच्छी चीज है, ये तो आनी ही चाहिए, वो भी आनी चाहिए, वो आएगी तो ही आएगी, लेकिन ये समझ रहे ना आप, आनी चाहिए ताकि हम जन जन तक तबले को पहुंचा सके। देखिए अब कतक कतक कत, कतक कतक कत, कतक कतक कत, केवल कुछ मज नहीं बज रहा, कतक कतक कत, कतक कतक कत, तो क क क क या तो क या कत, तो कतक कतक कत, कतक कतक कत। वैसे कत ही होता है जब बजाते हैं हम, तो कत भी होता है, के भी होता है, की भी, मैंने बताया था आपको 10 वर्णों में, 10 वर्ण अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, 10 वर्ण याद रखना, कतक कतक कत,
तो कतक कतक कत कतक अभी तक टिटक टिटकती टिटक टिटकती टिटक टिटकती तो टिटा टिटा ती टिटा 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 ती टिटा टिटा ती ठीक है। तो निकालते हैं वापस ट्रेन की आवाज नगमे के साथ, है ना, पहले नगमे के साथ निकालेंगे। नगमा बजाइए आप, फिर इसका हॉर्न भी कोशिश करेंगे हमारे साथ जो हारमोनियम पे रौनक पारिक मेरी भतीजी। देखिए फुल देखिए किस तरह से हॉर्न आएगा, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे ट्रेन। अब लय बढ़ रही है इसकी, इस तरह से ये ट्रेन की आवाज जो है हम निकालेंगे। और फिर तो बस आप ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हमने जवाहर कला केंद्र में ही ट्रेन और घोड़े को बुलाया, आमंत्रित किया इन समर कैंप में, और कोशिश करी कि किस तरह से मतलब ये तबले की भाषा को अलग किया जाए, मतलब तबले से और भी कई सारी बोल हम निकाल सकते हैं, जैसे कि भंवरे की आवाज और कबूतर की आवाज और भी बहुत कुछ, हिरन की चाल उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, और काफी चीजें इसमें हम क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन पहले सही तालीम सही शिक्षा होने की बात। और मैं इस तरह से अपना ये लेसन जो है आज का समाप्त करता हूँ, और जवाहर कला केंद्र को धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया इसके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। थैंक यू सो मच सर। आज हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन है शिवम चमोली का कि प्रकार का क्या मीनिंग होता है, प्रकार का क्या मतलब होता है? अच्छा, प्रकार का मतलब होता है पलटा, जिस तरह से कि कायदे में प्रकार होते हैं, रेले में भी होते हैं, पेशकार में भी होते हैं। जैसे हम गाना गाते हैं, मान लीजिए कोई भी गाना हम गा रहे हैं तो उसका अंतरा होता है, तो उस अंतरे को स्थाई अलग होती है, अंतरा अलग होता है। तो अंतरा जब हम खोलेंगे तो एक दो तीन अंतरे, किसी गाने में तीन अंतरे होते हैं, किसी में चार होते हैं, इसी तरह से कायदा हमारा मेन कंपोजिशन है तबले का, और उसमें प्रकार उसी तरह से होते हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं आसान, तो प्रकार या पलटा एक ही बात। सर शिवम चमोली का एक दूसरा क्वेश्चन है कि हर कॉम्पोजिशन के एंड में तिहाई, मतलब हर कॉम्पोजिशन तिहाई से ही एंड होती है क्या? हाँ, हर कंपोजिशन तिहाई से ही एंड होती है हमारे में, एक गत को छोड़कर, क्योंकि गत में तिहाई नहीं होती है हमारे, गत जो बसती है उसमें हमें प्राय तिहाई नहीं होती है, बाकी सब में टुकड़ा हुआ, पेशकार हुआ, पेशकार का जब अंत करेंगे तो हम तिहाई से करेंगे, कायदे का अंत करेंगे तो तिहाई से करेंगे, रेले का करेंगे तिहाई से करेंगे, लेकिन जब हम जैसे कहरवाम बजा रहे थे, कुछ लज्ञ बजाएंगे तो हम तिहाई से करेंगे, लेकिन जब ठेका बजाएंगे तो उनमें तिहाई नहीं होती, लेकिन तबले का जब सोलो की बात आती है तो गतों के अलावा सभी में प्राय तिहाई होती है। सर प्रगति नित्यांगना का क्वेश्चन है कि लेफ्ट हैंड को किस पोजीशन में रखें? लेफ्ट हैंड मतलब बायां, आप मतलब चूंकि बायां है, देखिए इसे हम डग्गा या बायां कहते हैं, इसको पोजीशन में हम इस तरह से रखें कि हमारा जो रखने का पहला तो सीधा रहेगा बायां, अधिकतर लोग क्या इसको टेढ़ा कर लेते हैं, ये रॉन्ग होता है, सीधा बायां रहता है, ये थोड़ा सा हल्का सा
मतलब मूवमेंट इसका रहता है हल्का सा, नीचे की तरफ झुका होता है, इसको हम सीधा रखते हैं। सीधा रख के और शाही को हम इस तरह से रखते हैं ताकि हमारा मैदान पे हाथ आराम से पहुंच जाए। ऐसा नहीं किसी के हाथ बड़े होते हैं ना तो वो चाटी पे जाते हैं हाथ, मैंने बताया था इनको चाटी पे तो वो रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए उनको अपने हाथ के अकॉर्डिंग, या तो वो जब हम तबला खरीदते हैं तो उस चाटी को हम छोटा करवा लेते हैं, और वरना हम उसको थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट करके इस तरह से रखते हैं ताकि मैदान पे अच्छे से वो बज सके। और हाथ को बिल्कुल लूज रखना है, और बैलेंस जो होता है वो इस पे रखा जाता है, इस पे नॉर्मल, ऐसे नहीं रखा जाता। ऐसे रखने पर तो हमारा कंधा और एक जो हमारी कोहनी है वो चढ़ जाएगी, हमें नॉर्मल रखना है बस, नॉर्मल घे करके इस तरह से होता है। सर जितेंद्र तिवारी का क्वेश्चन है कि गत क्या होती है। अच्छा, गत होती है मुलायम बोलों की ऐसी रचना जिसका हम विस्तार नहीं कर सकते, मतलब विस्तार से मतलब उनके प्रकार नहीं बनते, वो ऐसी रचना होती है जिसमें कि हम, जैसे कि कायदे में हमारे प्रकार होते हैं, जैसा कि शिवम चमोली जी ने हमसे क्वेश्चन किया था, तो उसमें प्रकार होते हैं, तो प्रकार कायदे में होते हैं, रेले में होते हैं, पेशकार में होता है, लेकिन गत में नहीं होते प्रकार, गत बिना प्रकारों से बसती है। सर शिवम का क्वेश्चन, सर शिवम का क्वेश्चन है परन कौन से घराने की रचना होती है। परन तो एक्चुअली पूरब बाज के रचना है, चूंकि ये पूरब में ही बस्ती थी, जो कि लखनऊ घराना हुआ अपना, और चूंकि लखनऊ घराना एक ऐसा घराना है जिसमें कि नाच का घराना है, और परने वैसे तो एक पखावज की रचना है, पखावज से ही ये ली गई, तो बनारस में, लखनऊ में और पूरब अंग में बजने लगी परने, ज्यादा बनारस में इसका प्रयोग होता है क्योंकि पखावज। बताए सप्ती माथुर का क्वेश्चन है लाइट म्यूजिक में कौन कौन सी तालों का यूज होता है। दादरा, कहरवा, रूपक और दीपचंदी। तो दादरा छह मात्रा की होती है, जैसे हमने गाया, जैसे गाना होता है ना था डो रही हो ओ बाके यार रे थड़ रही हो, अभी दादरा चल रहा है, दादरा तेन तेन हे शार दे मा, ये दादरा है, ये छह माता का होता है। इसी तरह से जब हम कहरवा करते हैं, मैंने कहरवा सिखाया था, तो कहरवा तो मतलब एक कॉमन है, वो हर मतलब आपको गाने में मिलता है। और रूपक, जैसे रूपक में बहुत सारी चीजें हैं, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, एक दो तीन चार, तो ये इस तरह से ये होता है। और दीपचंदी होती है इसकी जस्ट डबल, 14 मात्रा की, धा दिन धा धा दिन धा दिन धा दिन धा धा दिन, जैसे गाना है चौक पुराओ, तो इस तरह से ये 14 मात्रा का चलता है। थैंक यू सर। बाकी जिन जिन के क्वेश्चंस हैं वो सभी यूट्यूब पे दो तीन दिन बाद वीडियो अपलोड होएगा, उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, सर उनका आंसर आपको वहीं देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके साथ सर, दो पिछले तीन दिन से बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखा, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स, आपसे भी बहुत हमने सीखा, धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। अब हम सब मिलेंगे मंडे 22 जून को सुबह 10 बजे ट्राइबल पेंटिंग के सेशन के लिए वेंकट रमन सिंह श्याम सर के साथ। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।